वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग फोटोग्राफी। आज मैं आपको सिखाऊंगा। देखो, पहले तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। पहले तो ये वाला चैनल है मेरा, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन आता रहे। जैसे भी वीडियो आए वैसे मेरा नोटिफिकेशन आता ही रहे आपके पास। तो चलिए गाइज, मैं आज आपको सिखा दूँगा कि एपिक ऐप से फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, एपिक ऐप, ये वाला ऐप हमारा, ये डाउनलोड कर लेते हैं। वेट ए मिनट, डाउनलोड आ जाएगा। हम डाउनलोड होने देते हैं, फिर इसके बाद वीडियो में रोक के दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट रुक जाओ। तो वेट ए मिनट, हमारा एपिक ऐप डाउनलोड हो गया है। इसमें काफ़ी फीचर्स है आपको देखने को मिलेंगे और ये फ्री है बिल्कुल। इसमें कोई पैसा चार्ज नहीं लगता आपको एडिटिंग करने में। लाइट रूम की तरह सबसे लाइट रूम से बेस्ट फोटो एडिटिंग होती है इसमें। तो चलिए गाइज, हम आपको सिखाएंगे इसमें, हम इसे ओपन करते हैं। कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करने कर लेना है आपको, कंटिन्यू एंड स्टार्ट एडिटिंग अलाउ। इसके बाद हमें एक पिक ले लेनी है, जो हम पिक ले लेंगे, ये वाली पिक ले ली हमने। एंड फेस पे जाएंगे, फेस पे क्लिक करने पे एंड इसको अपने हिसाब से कर लेना है राइट। और फिल्टर पे जाना है, फिल्टर पे जाने के बाद आपको काफ़ी सारे फिल्टर मिलेंगे इसमें। नेटवर्क डेटा से डाउनलोड होते हैं फिल्टर, ताकि आप कौन कौन से फिल्टर ले। मैं ये फिल्टर लेना चाहता हूँ, ये देखो आपके अच्छा फिल्टर है, ये भी ले लेना, देख लेना आप अपने हिसाब से डाउनलोड करके देख लेना फिल्टर को, कौन सा फिल्टर यूज़ कर लेना चाहते हो, जो आपको सबसे बेस्ट लगे वो फिल्टर यूज़ कर लेना आपको। कुछ नहीं ज़्यादा, एक बार डाउनलोड होगा उसके बाद बार बार नहीं मांगेगा डाउनलोड होके। एडजस्ट में जाना है, एडजस्ट में जाने के बाद यहाँ पे क्रॉप है, जैसे अपनी फ़ोटो को क्रॉप करना चाहते हो ये क्रॉप कर लेंगे। यहाँ से मैंने क्रॉप कर लिया फ़ोटो, फ़ोटो क्रॉप करने के बाद सिलेक्टिव, सिलेक्टिव पे जाने के बाद अपनी फ़ोटो को जूम करना है। जूम करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कहीं पे भी सिलेक्ट कर देना जहाँ से आपको ब्राइटनेस बढ़ानी है या कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन में शार्पनेस बढ़ानी है। ओके, तो मैंने ब्राइटनेस बढ़ा दिया एंड कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, सिचुएशन को थोड़ा कम करेंगे एंड शार्पनेस को थोड़ा बढ़ा देंगे एंड हाईलाइट्स को भी थोड़ा कम करके ज़्यादा करके देख लेंगे और बाकी छोड़ देना आपको बस। और ये वाली सेटिंग आ गई जो पीछे का बैकग्राउंड चेंज करती है, ये देखो गाइस, इसमें इसको बढ़ा देना आपको एंड इसको बढ़ा देना है, इसको माइनस करना है, माइनस करना है, इसको बढ़ाना है। देखो फेस पे काफ़ी ग्लो आ रहा है एंड इसको बढ़ाना है ताकि अपने फेस पे ग्लो आए। इसको माइनस, इसको बढ़ा देना है और ग्रीन, ग्रीन वाले पे क्लिक करके आपको माइनस प्लस करके देख लेना है। जो भी आपको फिल्टर अच्छा लगे वो ले लेना है आपके अपने हिसाब से। मैं अपने हिसाब से ले लेता हूँ, तो मैं इसको पूरा करके देखता हूँ, वीडियो रोक के दिखाता हूँ आपको। एंड उसके पास ल्यूएक्स है, इस पर ये देखो इस पर ग्लो आता है चेहरे पे। तो अपने हिसाब से जितना करना चाहते हो उतना कर लेना है। ब्राइटनेस, ब्राइटनेस को बढ़ाना है या घटाना है, तो मेरे को घटाना है ब्राइटनेस। एंड कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा घटाना है, सिचुएशन को भी थोड़ा सा घटाना है एंड शार्पनेस को थोड़ा सा बढ़ा देना है। एंड ये जो अपने शार्पनेसिंग देता है वह ग्रेनियम है, इसको रहने देना है एंड छोड़ देना है। एंड शैडो पे, शैडो पे क्लिक करके ऐसे एंड फेड को देख लेना है, लाइटिंग लानी है या नहीं, मेरे को नहीं लानी लाइटिंग। एंड विग्नेट, जो अपने पिक के चारों तरफ थोड़ा ब्लर लाता है, ब्लैक ब्लर, इसको बढ़ाना थोड़ा सा एंड ये इसको अपने हिसाब से कर लेना। स्प्लिट टूल देख लेना, काफ़ी अच्छी सारी टूल है। वैसे इस टूल से इतना कुछ नहीं होता है। एंड इफेक्ट्स, यहाँ पे इफेक्ट आ जाएंगे, आपको ब्लर वाला इफेक्ट चाहिए, कौन सा इफेक्ट चाहिए, तो मैं इफेक्ट करके देखता हूँ। यहाँ पे लिखने का, एडिटिंग सब कुछ वगैरह है एंड ब्रश। तो मेरी पिक एडिट हो गई है और काफ़ी अच्छी पिक एडिट होती है इसमें। अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको अगले वीडियो का इंतजार करो आप।